Danielson's Framework for Teaching 2012, Domain 2, Classroom Environment. Domain 2, Classroom Environment, Danielson ने इसके components discuss किए हैं, तो आज हम इसके बारे में discuss करेंगे. Introduction. Many countries, including USA, have adopted using a framework as a tool, a rubric to evaluate teachers. तरक्की याफ्ता मुल्क जैसे यूएसए है, वो डेनिलसन के फ्रेमवर्क को एज अ टूल एज अ रूब्रिक यूज़ कर रहे हैं टू एवेल्यूएट टीचर्स परफॉर्मेंस, प्रोमोट क्लियर एंड मीनिंगफुल कन्वर्सेशन अबाउट इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस. ये मॉडल प्रोमोट करता है क्लियर एंड मीनिंगफुल कन्वर्सेशन के कन्वर्सेशन में एंड इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस में. ऑल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स ट्रेनर्स and teachers must understand Danielson's framework for teaching. Scholars recommend करते हैं कि सारे head teachers, educational administrators, trainers और teachers Danielson के इस framework को ज़रूर समझें और इसको apply करें. Four domains. Danielson's framework for teaching focus on four domains. These are further divided in 22 subcomponents. Domain 1, planning and preparation, जिसमें उन्होंने discuss किया है कि teacher कैसे plan करें effective class के लिए. वो अपने lesson को अपने resources को पहले plan करें. Domain 2, classroom environment, इन्होंने discuss किया है कि classroom environment में क्या चीज़ें होनी चाहिए उनके बारे में. Domain 3, instruction, जिसमें उन्होंने teaching approach, teaching methodologies को discuss किया है subject wise. Domain 4, professional responsibilities. Professional responsibilities subject teacher की या general teachers की क्या होनी चाहिए, उनके behaviors, उनकी duties उन्होंने उसमें discuss किया है. Classroom environment. An ideal classroom is comfortable and respectful. It is a safe environment in which students feel free to take intellectual risks. Danielson कहती हैं कि एक comfortable classroom वो होता है जिसमें student को due respect दी जाए, उनको एक महफूज माहौल दिया जाए जिसमें वो easily अपने questions, अपने views share कर सकें. Domain 2, Classroom Environment. इसके चार कंपोनेंट हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं. कंपोनेंट ए, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ रेस्पेक्ट एंड रिपोर्ट. टीचर एज अ फैसिलिटेटर, एज अ गाइड, उसका काम है कि स्टूडेंट को ड्यू रेस्पेक्ट जो उनको ड्यू है उनको दें, उनके व्यूज़ को सुने, उनको शेयर करने का पूरा पूरा मौका दे, उनकी फीलिंग्स को समझे, उनके साथ एक रिलेशनशिप कायम करे जिसमें वो स्टूडेंट इजीली अपने टीचर को अपने कोई भी बात हो वो शेयर कर सकें. इवन अगर वो कोई रॉन्ग क्वेश्चन पूछ भी लें तो उनमें टीचर का काम है कि उनको डीमोटिवेट ना करे, उनकी बात को सुने, उनकी कॉग्निटिव लेवल को समझे और उसके अकॉर्डिंगली उसको रेस्पॉन्ड करे. कंपोनेंट बी, एस्टेब्लिशिंग अ कल्चर ऑफ लर्निंग. इसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि कल्चर ऑफ लर्निंग को आप एस्टेब्लिश करें, और आप वो कैसे कर सकते हैं, जैसे आप बच्चों को हम असाइनमेंट देते हैं, प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, तो स्टूडेंट्स आपस में ग्रुप्स बनाते हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ अपने मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इस तरह एक माहौल क्रिएट होता है, एक कल्चर क्रिएट होता है लर्निंग का, तो ऐसे माहौल को हम इन्हांस करें. कंपोनेंट सी, मैनेजिंग क्लासरूम प्रोसीजर्स. सब्जेक्ट टीचर का काम सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाना ही नहीं है, उसके अलावा भी उसकी ड्यूटीज़ में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं. जैसे एक क्लास टीचर होता है, उसका काम होता है कि स्टूडेंट की
अटेंडेंस ले, उनके रिकॉर्ड्स अपने पास नोट करें, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, उसके असेसमेंट रिकॉर्ड्स अपने पास नोट करें, स्टूडेंट पोर्टफोलियोज बनाएं जिसमें स्टूडेंट की तरतीबवार उनकी सारी परफॉर्मेंस नोट हो जाए। इस तरह के बहुत सारे और भी प्रोसीजर्स हैं जिनको टीचर मेंटेन करें। कंपोनेंट डी, मैनेजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर। स्टूडेंट के बिहेवियर्स को आपने मैनेज करना है, पर एज अ डिक्टेटर नहीं, एज अ फैसिलिटेटर, एज अ गाइड। अगर कुछ स्टूडेंट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उनके साथ आप बात करें, उनसे डिस्कस करें, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। और टीचर एज अ रोल मॉडल उनको कुछ चीज़ें एग्जांपल सेट करके भी समझा सकता है। फॉर एग्जांपल, टीचर अपने कलीग्स के साथ कैसे बात करते हैं, अपने हेड टीचर के साथ कैसे बिहेव करता है, वो खुद कैसे बिहेव करता है, कैसे बातें करता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको कॉपी करते हैं। तो एज अ रोल मॉडल टीचर स्टूडेंट को बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकता है, उनको मोटिवेट कर सकता है अच्छी एक्टिविटीज़ में। तो इस तरह से स्टूडेंट के बिहेवियर को टीचर कंट्रोल कर सकता है, उनको मैनेज कर सकता है। थैंक यू।